3BHK प्रॉपर्टी। जैसे ही आप द्वारका के फ्लाईओवर से उतरते हैं, जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में सामने सोसाइटी और मेन रोड द्वारका की सेक्टर 7 की मेन रोड आपको मिल जाती है, जो साउथ दिल्ली से कनेक्ट रोड आती है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ से बनती है। पार्क का व्यू आपको मिल जाता है। इतनी सुंदर ग्रीनरी, एकदम हवादार ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी में एक स्टोरेज का स्पेस बहुत बड़ा दिया गया है। इसमें भी पीछे टाइल्स का काम किया गया है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपकी डिमांड पे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, 3BHK प्रॉपर्टी, प्राइवेट सोसाइटी की प्रॉपर्टी रहने वाली है। सेक्टर 7, द्वारका सेक्टर 7 में ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है दोस्तों। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी 6th फ्लोर पे आपको मिल जाती है, यंग एरिया अपार्टमेंट के अंदर। जैसे ही आप द्वारका के फ्लाईओवर से उतरते हैं, जस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये सोसाइटी मिल जाती है दोस्तों आपको। इसकी लोकेशन बहुत प्राइम रहने वाली है। आइए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। इससे पहले, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पे मिलती रहें। जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी का रिव्यू। ये आ जाता है दोस्तों मेन एंट्री। जैसे ही हम इस मेन एंट्री से एंटर करते हैं, हमें मिल जाता है एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार एक ड्राइंग रूम। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ हमारे बेडरूम्स रहने वाले हैं। ये ओपन लॉबी हमें मिलती है, LED पैनल है, किचन यहाँ मिल जाता है। ये साइज़ पूरा हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया का आ जाता है। इसी के साथ साथ एक हमें यहाँ पे बेल्कनी मिल जाती है, ड्राइंग रूम के साथ ही कनेक्टिविटी देखने को। काफ़ी खुली इसमें खिड़की लगी हुई है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ओपन सनलाइट इसमें मिल जाती है। प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छा फ्लोरिंग का काम किया हुआ, मार्बल लगा हुआ मिलता है दोस्तों। वुडन का काम काफ़ी किया हुआ है इसमें। लाइट, फैंस आपको कंप्लीट मिल जाते हैं दोस्तों। इस बालकनी में अगर हम आते हैं, देखिए मेरे साथ, बालकनी में आने के बाद व्यू बड़ा शानदार मिलता है। सामने सोसाइटी और मेन रोड द्वारका की सेक्टर 7 की मेन रोड आपको मिल जाती है, जो साउथ दिल्ली से कनेक्ट रोड आती है। वो ये एक ही रोड है जो साउथ दिल्ली और द्वारका को कनेक्ट करती है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ से बनती है। मेट्रो स्टेशन, गुड़गांव जाने के लिए जितनी भी व्हीकल्स हैं वो सारे यहीं से होकर के निकलते हैं। इसकी लोकेशन काफ़ी प्राइम रहने वाली है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। जी, ये आ जाता है हमारा 1st बेडरूम। दोस्तों, जैसे ही आप 1st बेडरूम में एंटर करते हैं, आपको एंटर करते के साथ ही एक बहुत सुंदर यहाँ वुडन कैबिनेट मिल जाता है, और ये एक और एग्ज़िट डोर मिल जाता है। ये डोर भी आपकी मेन एंट्री पे ओपन होता है दोस्तों। इसे आप एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हो। ये वुडन कैबिनेट इसमें मिल जाता है, काफ़ी सुंदर इसमें काम किया गया है वुडन का, और अंदर इसमें टाइल्स का काम किया गया है ताकि आपकी प्रॉपर्टी में दीमक वगैरह ना लगे। नीचे इसमें ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपको, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के ड्रॉर हैं इसमें। एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी में सनलाइट की कोई कमी नहीं है, भरपूर सनलाइट इस प्रॉपर्टी में मिल जाती है। एक विंडो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से पीछे पार्क का व्यू आपको मिल जाता है इस विंडो से। इसमें एक आपको अटैच वॉशरूम मिलता है दोस्तों, काफ़ी सुंदर आपका ये वॉशरूम रहने वाला है, आप देख सकते हैं। और वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा आपको ये मिल जाता है। टाइल्स का काम बहुत अच्छा किया गया है, वॉल टू वॉल्स इस पर, टॉप टू टॉप इस पर टाइल्स लगाई गई है। डबल कलर कंट्रास्ट की इसमें टाइल यूज़ की गई है। ये आपका यहाँ पे वॉशिंग स्पेस आ जाता है। पीछे आपको एक वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। एग्जॉस्ट फैन इस प्रॉपर्टी में आपको लगा के मिलता है। ये आपका सारा का सारा वॉशिंग स्पेस आ जाता है दोस्तों, काफ़ी बड़ा आपको ये वॉशरूम इसमें मिल जाता है। प्रॉपर्टी में एक आपको ओपन स्पेस भी मिलता है, ये आपका ओपन लॉबी स्पेस आ जाता है। इस बालकनी को कवर करके ये ओपन स्पेस आपको बनाया गया है। इसको आप एज ए डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं और लॉबी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सामने आपको विंडोज़ दी गई हैं एयर वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए, और व्यू भी सामने काफ़ी अच्छा है, पार्क व्यू मिल जाता है ये प्रॉपर्टी आपको देखने को। जी, पीछे ये आपको एक LED पैनल मिल जाता है, वुडन का इस पर काम किया गया है, बहुत सुंदर लाइटिंग का काम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ हमारा आ जाता है किचन। किचन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। एक जाली वाला वुडन का दरवाज़ा इसमें मिल जाता है किचन के अंदर। किचन में एंटर करते ही फुल इसमें टाइल्स लगाई गई है किचन के अंदर। ब्लैक कलर का ग्रेनाइट का काम किया गया है,
ऊपर आप मेरे देख सकते हैं वुडन बॉक्सेस मिल जाते हैं और ऊपर भी आपको बॉक्सेस का काम करके मिलता है। एक एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है आपको, पीछे एक विंडो मिल जाती है काफ़ी बड़ी, इस विंडो से भी सामने पार्क का व्यू आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका वॉशिंग स्पेस आ जाता है, ये आपको सिंक है, किचन में गीज़र आपको लगा के मिलता है दोस्तों। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस किचन के अंदर मिल जाती है। किचन का साइज़ भी 8x8 ऑलमोस्ट रहने वाला है, काफ़ी अच्छा सफिशिएंट साइज़ है किचन का। ये किचन का साइज़ आपको इसमें मिल जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड बेडरूम में। जी, जैसे ही आप सेकंड बेडरूम में एंटर करते हैं, सेकंड बेडरूम में एंटर करते के साथ ही काफ़ी बड़ा स्पेस हमें ये यूटिलिटी मिल जाता है। इसमें भी काफ़ी बड़ा आपको ये वुडन कैबिनेट एक आपको मिल जाता है, ऊपर इसमें स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है। दोस्तों इस बालकनी को भी कवर किया गया है, ये बालकनी कवर करके ये जो स्पेस है ये आपके बेडरूम में ही आ जाता है। तो इस बालकनी से भी आपको, इस रूम से भी आपको पार्क का व्यू मिल जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतनी सुंदर ग्रीनरी, एकदम हवादार ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है दोस्तों। सारे द्वारका का व्यू आपको यहाँ से तकरीबन नज़र आ जाता है। इस बेडरूम में भी आपको एक वॉशरूम अटैच मिल जाता है, मैं आपको वॉशरूम में लेके चलता हूँ। ये वॉशरूम आप देख सकते हैं, इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। इस वॉशरूम में दो दरवाज़े मिलते हैं आपको, एक आपके थर्ड बेडरूम से कनेक्ट है और एक आपके सेकेंड बेडरूम से कनेक्ट है। इस वॉशरूम में भी टाइल्स का बहुत अच्छा काम किया गया है। ये सारा का सारा मेरे पीछे आप देख सकते हैं वॉशिंग स्पेस है, यहाँ आपको सीट मिल जाती है, ये आपको बेसिन मिल जाता है, एक मेरे पीछे यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन और विंडो वेंटिलेशन के लिए आपको इस बाथरूम में भी मिल जाती है। दोस्तों इस प्रॉपर्टी में सबसे यूनिक पॉइंट, इस प्रॉपर्टी में एक स्टोरेज का स्पेस बहुत बड़ा दिया गया है और उसके 2-3 एग्ज़िट इस प्रॉपर्टी में आपको मिल जाते हैं। एक आपको ये स्टोरेज का स्पेस है जिसको परछत्ती भी बोलते हैं स्टोरेज के लिए, इसको एक आपको ये दरवाज़ा मिल जाता है, एक वो छोटा आपको डोर मिल जाता है। ये इस रूम से कनेक्टेड रहते हैं और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है काफ़ी बड़ी रहने वाली है। इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 12x4 का, 12x5 का ये आपको स्टोरेज का ऊपर स्पेस देखने को मिल जाता है। काफ़ी बड़ा स्पेस ये प्रॉपर्टी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में हम एंटर करते हैं तो थर्ड बेडरूम में भी हमें एक बालकनी मिल जाती है और साथ में एक कवर बालकनी हमें मिल जाती है। ये बालकनी का व्यू सामने सोसाइटी की तरफ आता है और पार्क फेसिंग रहने वाला है। इसमें भी विंडो आपको साथ में मिल जाती है। ये आपको एक काउच दिया गया है सिटिंग के लिए, आप इस प्रॉपर्टी में देख सकते हैं। नीचे आपको वुडन बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं। इस बेडरूम से भी वॉशरूम आपको अटैच मिलता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी डोर दिखाया। एक आपको बहुत बड़ा अलमीरा इसमें मिल जाता है देखने को, वुडन अलमीरा, काफ़ी बड़ा ये वुडन अलमीरा मिल जाता है। इसमें भी पीछे टाइल्स का काम किया गया है और बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर तरीके से इस अलमीरा को डेवलप किया गया है यूज़ करने के लिए। पीछे आप मेरे देख सकते हैं एक बालकनी मिल जाती है छोटी, ये वॉशिंग स्पेस है, गीज़र आपको इसमें लगा के दिया जाता है। और पीछे से भी व्यू, पार्क व्यू यहाँ पे भी आपको ये बालकनी में मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ये स्पेस आप वॉशिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के पास आपको हॉस्पिटल मिल जाता है, मणिपाल हॉस्पिटल पास में है, अग्रसेन हॉस्पिटल पास में है, स्कूल मिल जाते हैं आपको, 4-5 प्राइवेट स्कूल्स आपको मिल जाते हैं, सामने बस स्टैंड है, मेट्रो कनेक्टिविटी थोड़ी सी दूरी पे आपको इसमें मिल जाती है, पार्क बड़े बड़े मिल जाते हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो द्वारका की बड़ी प्राइम लोकेशन दोस्तों ये रहने वाली है। इस प्रॉपर्टी की विजिट करने के लिए, इस प्रॉपर्टी की अदर डिटेल्स जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने YouTube चैनल RP होम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों।